हेलो एवरीबॉडी, आप देख रहे हैं मेरा चैनल सीखो एवरीडे। फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि अपने इंटरनल स्टोरेज से एसडी कार्ड में कोई भी फाइल, डाटा, वीडियो, इमेज कैसे ट्रांसफ़र करते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही आसान है, चलिए देखते हैं और सीखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप अपना मेनू खोलने पड़ेंगे और मेनू खोलने के बाद दोस्तों आपको फाइल मैनेजर में जाना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, आपको मैं दिखा देता हूँ कि इंटरनल स्टोरेज में मेरी अवेलेबल 661.23 MB स्पेस है। और दोस्तों देखिए, नीचे एसडी कार्ड में 2.73 GB स्पेस है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरनल से अगर एसडी कार्ड में करना है तो आपको इंटरनल में जाना पड़ेगा। तो इसमें जाने के बाद देखिए दोस्तों, मैं अपने व्हाट्सएप में जाता हूँ, व्हाट्सएप ऐप, फिर जाता हूँ मीडिया में, फिर जाता हूँ वीडियो में। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, इतने सारे ये वीडियो हैं। अब दोस्तों, इन वीडियो की वजह से मेरा मोबाइल में जगह स्पेस कम रह गई है इंटरनल स्टोरेज में। तो दोस्तों करना क्या पड़ेगा, इन सबको ऐसे सिलेक्ट करके यहाँ ऊपर कैंची बनी हुई है, इस पर कट पे निशान लगा के और नीचे दोस्तों बैक के बटन से पीछे जाना पड़ेगा। अब चलिए पीछे चलते हैं, फिर एसडी कार्ड में जाके ओपन करके दोस्तों, अब आपको इस किसी भी फाइल में आपको इसको स्टोरेज करना है, उसको आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए, मैं फाइल लिखा हुआ है नीचे दूसरे नंबर पर, DCIM के नीचे फाइल, इसमें देखिए ऊपर बना हुआ है ये एक तीन बिंदियों के बगल से ये बना हुआ है स्लिट जैसी। दोस्तों इस पर आपको क्लिक करना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये पेस्ट होना स्टार्ट हो गया। तो दोस्तों देखते हैं, कुछ देर में ही ये पूरा पेस्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इससे आपके जो स्टोरेज में जो जगह है, जगह स्पेस कहते हैं जिसे, स्पेस आपकी बढ़ जाएगी और आपके एसडी कार्ड में ये सारी वीडियो पेस्ट हो जाएगी। तो दोस्तों इससे आपका मोबाइल हैंग होने की संभावना कुछ कम रहती है। आपके जितने मोबाइल में देखिए दोस्तों, ये सारी वीडियो इधर आ गई। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ पीछे जाके। तो देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं 747.21 MB स्पेस है, जिससे पहले दोस्तों 600 कुछ था। देखा दोस्तों आपने, कितना आसान है अपने इंटरनल स्टोरेज से एसडी कार्ड में कोई भी डेटा ट्रांसफ़र करना। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।